Rich Dad Poor Dad Lesson 3 Mind Your Own Business। हेलो गाइस, जैसे कि हमने पहले वीडियो में जाना था कि पैसा कैसे काम करता है, एसेट और लाइबिलिटी के बीच के डिफरेंस, अमीर और अमीर, गरीब और गरीब कैसे होते जा रहे हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर आप देख लेना। आज का हमारा लेसन है माइंड योर ओन बिजनेस। द रिच फोकस ऑन द एसेट कॉलम वाइल एवरीवन फोकस ऑन द इनकम स्टेटमेंट। साल है 1974। रे क्रॉक्स, जो कि फाउंडर है मैकडॉनल्ड्स के, एक सेशन ले रहे थे एमबीए स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में। सेशन खत्म होने के बाद एमबीए स्टूडेंट्स ने मिस्टर रे को रिक्वेस्ट करा कि उनके साथ बियर शेयर करने। बियर पीते पीते मिस्टर रे ने पूछा, मेरी किस चीज़ की बिजनेस है? वहाँ खड़े सब हंसने लगे और किसी ने कुछ नहीं बोला। मिस्टर रे ने फिर से पूछा, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन सा बिजनेस करता हूँ? सब में से एक लड़के ने कहा, दुनिया में ऐसा कौन है जिसे नहीं पता कि आपका हैमबर्गर का बिजनेस है? मिस्टर रे हंसने लगे, फिर बोले, मुझे पता था तुम लोग यही बोलोगे, हैमबर्गर बेचना मेरा प्राइमरी बिजनेस है, एक्चुअल में मेरा रियल स्टेट्स का बिजनेस है। तब मिस्टर रे ने अपने बिजनेस मॉडल को समझाते हुए कहा, दुनिया में जितना भी मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइज है, वहाँ का लैंड मैकडॉनल्ड्स ऑर्गेनाइजेशन के अंडर है। फ्यूचर में भले ही वो फ्रेंचाइज वो जगह रहे या ना रहे, लेकिन वहाँ की ज़मीन मैकडॉनल्ड्स की ही रहती है। और आज के डेट में मैकडॉनल्ड्स अकेले एक ऐसा कंपनी है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा रियल स्टेट्स ओन करती है। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि कैसे पुअर और मिडिल क्लास लोग पहले कंपनी के ओनर के लिए काम करते हैं, फिर गवर्नमेंट के लिए अपने मेहनत के कमाई पैसे को टैक्स के रूप में देकर, और फाइनली बैंक के लिए ईएमआई देकर। ऑथर का रिच डैड ऑथर को हमेशा एक रूल फॉलो करने को बोलते हैं, वो है सीक्रेट नंबर 3 ऑफ रिच पीपल, माइंड योर ओन बिजनेस। फाइनेंशियली स्ट्रगल उन्हें होती है जो अपनी पूरी ज़िंदगी किसी और के लिए काम करते हैं। इन लोगों के पास एट द एंड कुछ नहीं रह जाता इतने साल की मेहनत को फ़ायदा उठाने के लिए। मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि हमारा एजुकेशन सिस्टम फोकस करता है हमें अच्छी जॉब पाने के लिए, हाई एजुकेटेड सैलरी पाने के लिए, अपने इनकम और एक्सपेंस को बैलेंस करने में। कुछ लोग अपने स्कॉलरस्टिक एजुकेशन को बढ़ाकर इंजीनियर, साइंटिस्ट, डॉक्टर, कुक, पुलिस ऑफिसर बन जाते हैं, प्रोफेशनल जॉब करने लगते हैं, लेकिन तब भी वो पैसे के लिए काम करते हैं। स्कूल के साथ एक प्रॉब्लम है कि अक्सर हम वही बन जाते हैं जो हम पढ़ते हैं। जो लॉ की पढ़ाई करता है वो लॉयर बन जाता है, जो साइंस की पढ़ाई करता है डॉक्टर या इंजीनियर बनता है, और ये सब हम पीयर प्रेशर में आकर करते हैं, अपने माता पिता की बात मानकर या पड़ोस या टीचर की बात मानकर। ऐसे कॉम्पिटिशन में लोग इतना बुरा फंस जाते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भूल जाते हैं, माइंडिंग योर ओन बिजनेस। लोग बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम तो करते हैं, लेकिन दूसरों के लिए उन्हें अमीर बनाते हैं। फाइनेंशियली सिक्योर बनने के लिए हमें अपने काम से काम रखना इंपॉर्टेंट है, और हमारा काम हमारा एसेट कॉलम होना चाहिए, ना कि इनकम कॉलम। पहले वीडियो में मैंने बोला था कि फाइनेंशियली फ्री होने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है एसेट और लाइबिलिटी के बीच का डिफरेंस जानना और हमेशा एसेट खरीदना। बिलियनर्स हमेशा अपने एसेट कॉलम में फोकस करते हैं, वही बाकी सब अपने इनकम में फोकस करते हैं। ऑथर अक्सर लोगों से सुनते हैं, काश मैं थोड़ा ज़्यादा सैलरी मिल जाता, या काश मैं स्कूल फिर से वापस जाकर थोड़े अच्छे से पढ़कर बेटर जॉब कर पाता। लोग ये सब सोचते हैं अपने इनकम स्टेटमेंट को बढ़ाने के लिए, जिससे वो अपने खर्च बढ़ा पाए, ना कि एसेट खरीदे। ज़्यादातर गरीब लोग, मिडिल क्लास लोग चेंज नहीं हो पाते हैं। वो ज़्यादातर कहते हैं, आई कांट अफोर्ड टू टेक रिस्क, मैं रिस्क नहीं ले सकता। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनका कोई फाइनेंशियल फाउंडेशन नहीं होता, उनके पास सिर्फ एक जॉब रहती है जिसे वो छोड़ नहीं सकते। पुअर और मिडिल क्लास लोग एसेट खरीदते तो है, जैसे कि घर या कार, उनके नज़र में ये सब एसेट है, उन्हें प्राइड होता है, लेकिन वो एक सिंपल चीज़ नहीं समझते कि जो एसेट उन्होंने खरीदा है वो उनकी जेब से पैसे ले रहा है, जैसे कि मेंटेनेंस के। इन्हीं बीच उनके बैंक से कॉल आता है क्रेडिट कार्ड के लिए। उन्हें इतने ज़्यादा फ़ायदे बताए जाते हैं कि उन्हें वो ना चाहते हुए क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं। अब स्टार्ट होता है क्रूशल पार्ट। लोग क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं, पे बैक करते हैं, जिससे उनके क्रेडिट स्कोर बढ़ती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि वो पे बैक नहीं कर पाते हैं। अब उनके एसेट एक लाइबिलिटी बन जाती है जो उन्हें रोज़ 10-12% इंटरेस्ट चार्ज करती है। अब लोग अपने एसेट बेचने लगते हैं, जिससे वो पूरा पैसा कभी नहीं मिल पाता, क्योंकि जब भी आप कोई प्रॉफिट करते हो गवर्नमेंट अपना शेयर ले लेती है। इसी तरह से एक बिल पे करने के लिए उनके पास सिर्फ उनका जॉब रह जाता है और कुछ नहीं, जो उन्हें ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। ऑथर हम सबको सजेस्ट करते हैं कि हमें अब अपने एसेट कॉलम पर ध्यान देना चाहिए, जो जॉब करते हैं दिन में उसे करते रहना चाहिए, और बाकी के बचे हुए टाइम में सिर्फ रेस्ट ना करके, टाइम वेस्ट ना करके एसेट बिल्ड करना चाहिए जो आपको पैसिव इनकम ला कर दे। हमेशा जितना हो सके अपने एक्सपेंस को कम करना चाहिए। लिव बिलो योर मींस टू राइज हाई। हम इंडियन पेरेंट्स का एक माइंडसेट है अपने बच्चे के एजुकेशन पर पूरा पैसा इन्वेस्ट कर देना अच्छी एजुकेशन के लिए, फिर उसकी शादी करवा देना और जॉब, और वो सेटल हो जाते हैं अपने लाइफ में, बिजी हो जाते हैं। फिर पेरेंट्स को रियलाइज़ होता है कि उनके ओल्ड एज के लिए उनके बच्चे के ऊपर डिपेंड होने के अलावा और कुछ नहीं है, और ये उन्हें लगता है कि सब बैलेंस्ड है, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनके बच्चे के ऊपर पूरा प्रेशर आ जाता है और वो फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। ऑथर कहते हैं, 24 तक पढ़ाई, 26 तक नौकरी और 28 तक शादी और 30 तक बच्चे,
इसे सेटल नहीं बोलते हैं। इन सबको सेटल तभी होना चाहिए जब उनके पास एक ऐसा पैसिव इनकम हो जिसे वो रेगुलर इनकम जनरेट कर पाए, भले ही वो उसके लिए काम करे या ना करे। ऑथर कुछ एसेट सजेस्ट करते हैं जिससे हम सबको रेगुलर पैसिव इनकम हो सकती है। पहला, बिजनेस दैट डू नॉट रिक्वायर योर प्रेजेंस। ऐसा बिजनेस जिसे डायरेक्टली आप इन्वेस्ट करें लेकिन आपकी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट ना हो, बस आपको आपका शेयर मिलता रहे। दूसरा, स्टॉक्स, सबसे कॉमन और इजी तरीका जिससे आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तीसरा, बॉन्ड्स। बॉन्ड्स एक तरह का लोन है जिसे आप देते हैं और जिससे आपको डिसेंट इंटरेस्ट मिल सकती है टाइम टू टाइम। बॉन्ड्स ज़्यादातर गवर्नमेंट इशू करती है जब उन्हें पैसा चाहिए होता है। चौथा, रियल स्टेट। पांचवा, ऐसा कोई भी चीज़ जिसकी वैल्यू आने वाले टाइम पे अप्रिशिएट होगी, फॉर एग्जांपल बिटकॉइंस। किस तरह के एसेट पर खरीदना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए एक रेगुलर पैसिव इनकम के लिए, इस पर मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा। ऑथर के पुअर डैड एनकरेज करते थे अच्छे से पढ़ाई करने के लिए और एक सेफ जॉब पाने के लिए, और ऑथर के रिच डैड एनकरेज करते थे एसेट खरीदने के लिए जो कि ऑथर को बहुत ज़्यादा पसंद थी। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आप उसको ध्यान से नहीं कर सकते। ऑथर को रियल स्टेट्स में इंटरेस्ट था और वो रियल स्टेट खरीदते थे। उन्हें स्मॉल कंपनीज़ भी अच्छी लगती थी। उन स्मॉल कंपनीज़ में इन्वेस्ट करके उसे बढ़ता हुआ देखना, बहुत से लोगों को स्मॉल कंपनीज रिस्की लगते हैं, वो तो है, लेकिन अगर आपको सेफ लगे तभी आप इन्वेस्ट करिए। ऑथर जब जीरोक्स और मरीन में काम करते थे तब वो साइड बाय साइड रियल स्टेट और कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते थे और बाद में अपनी कंपनी खोली। ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें अभी अपने डे जॉब रखना चाहिए और साइड में स्मॉल कंपनीज़ और एसेट में इन्वेस्ट करते रहना चाहिए और अपना एसेट कॉलम को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ऑथर हम कॉमन पीपल को खुद का बिजनेस खोलने को सजेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि खुद वो एक बिजनेसमैन है और उन्हें पता है कैसे एक कंपनी खोला जाता है। 10 में से 9 स्टार्टअप्स 5 साल में फेल हो जाते हैं और बाकी के बचे हुए 5 साल में। इसलिए आप बिजनेस तभी स्टार्ट करें जब आप सच में उसे बढ़ाने के लिए अपना पूरा वक्त, एनर्जी और फोकस दें, वरना एक और ऑप्शन है, आप अपना डे जॉब करिए, बेस्ट एम्प्लॉय बनिए और एसेट में इन्वेस्ट करते रहिए। जितना भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे अपने एम्प्लॉय की तरह देखिए। और पैसा ऐसा चीज़ है जो 24 घंटे तक काम कर सकती है, तो अपने पैसे को काम में लगाइए और जब आपकी पैसिव इनकम बढ़ जाए तब उसे लग्जरी मत खरीदिए, क्योंकि रिच पीपल लग्जरी लास्ट में खरीदते हैं लेकिन पुअर और मिडिल क्लास लग्जरी पहले। फाइनेंशियली फ्री पीपल एसेट में इन्वेस्ट करते हैं और उनकी एसेट उन्हें लग्जरी खरीद के देती है। अब जब आपको पता चल गया है कि हाउ टू माइंड योर ओन बिजनेस, अब वक्त आ गया है अमीर लोगों के सबसे बड़ा सीक्रेट जानने का कि वो कैसे बाकी लोगों से अलग है। वो आप जानेंगे मेरी अगली वीडियो में। तब तक ले स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।